राजधानी देहरादून स्थित मुख्यालय में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट और विशिष्ट अतिथि के तौर पर दायित्वधारी नरेश बंसल और पद्मश्री आर के जैन ने शिरकत की। इस दौरान अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले डॉक्टरों को भी सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टरों ने सरकार से क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट रियायत की मांग की। डॉक्टरों ने कहा कि 50 से अधिक चिकित्सा संस्थानों पर बंदी की तलवार लटक रही है। अपने संबोधन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखंड नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है। इस मौके पर उन्होंने आईएमए देहरादून शाखा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय कुमार गोयल और उपाध्यक्ष एसडी जोशी और उनकी टीम को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष एसडी जोशी ने कहा कि आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने को लेकर आईएमए हर महीने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन करेगा। उनका कहना कि उनके कार्यकाल में अधिक से अधिक डॉक्टरों का लाभ जनता को मिल सके। आईएमए वैसे तो काम बार बार करता रहता है देहरादून में और कैंप भी लगाते रहते हैं और अपने इंडिविजुअल हैसियत से भी हमारे जितने भी चिकित्सक हैं जहां मौका मिलता है वहां पे कैंप वगैरह लगाते रहते हैं और आगे भविष्य में आईएमए की तरफ से और भी इस तरह के कैंप और फ्री कैंप और जो गरीब लोगों का इलाज है उसके लिए अपनी तरफ से सुविधाएं देने के बारे में इसमें विचार किया जाएगा। ट्रस्ट का अहित नहीं होने दिया जाएगा। हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है और इस ओर हमारी सरकार का पूरा ध्यान है। उसमें विचार किया जा सक रहा है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई फैसला दिया है तो उस फैसले के अनुरूप हम कैसे अपने चिकित्सकों को सुविधा दें, उसके लिए सरकार सोच रही है। संवाद 365 के लिए देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ काजल की रिपोर्ट।